हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम द साइरस स्टार के बारे में बात करेंगे, जो हमारा 77 का पोर्टल आने वाला है। लेकिन उसके पहले जो साइरस पोर्टल के बारे में हम बात करेंगे, साइरस पोर्टल या फिर हेवन पोर्टल भी हम कह सकते हैं, ये पोर्टल 3 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है। लेकिन इस बीच में क्या चीज़ें होती हैं और इसकी एनर्जीज आप कैसे रिसीव कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो साइरस पोर्टल होता है, ये 77 के पोर्टल के पहले 3 जुलाई से 7 जुलाई तक होता है। साइरस पोर्टल यूनिवर्स में एक स्टार है 77 के पोर्टल के पहले। वो स्टार बहुत बड़ा और बहुत चमकीला होता है, जो सन से भी बड़ा होता है। तो क्या होता है, जो 3 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में जब सनराइज होता है, तो उस वक्त इस बीच में क्या चीज़ें होती हैं जो अभी आप फील कर रहे हैं। एक्चुअली में जो हमारा 88 का पोर्टल आता है, उसके पहले ही जो साइरस स्टार, जो साइरस पोर्टल होता है, उसमें हमें प्योरीफाई किया जाता है, ताकि हम 88 पोर्टल में सारी एनर्जीज को रिसीव कर सके। एक्चुअली में ये जो पोर्टल है, वो हमारे शैडो साइड को रिलीज़ करने के लिए आता है। इसलिए अभी बहुत सारी डीएफ इस चीज़ को फील कर पा रही होंगी, जो भी उनके अंदर शैडो साइड है, वो सब कुछ बाहर आ रहे हैं और वो किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आपके अंदर की निगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, और कहीं ना कहीं जो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गए, या फिर जो पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई हैं, वो भी रिलीज़ हो सकते हैं। और ये किसी भी फॉर्म में आपके सामने आएंगे, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी ये सारे सिम्टम होते हैं, ये हमारे 7 चक्रास में होते हैं। तो 7 चक्रास से ये चीज़ें रिलीज़ होंगी। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, आपको रैसेस निकल सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है नोज से, या फिर आपको पूरे बॉडी में हीट जैसा फील हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और वोमिटिंग, चक्कर जैसा फील हो सकता है, आइस जो विज़न है आप लोगों की ब्लर हो सकती है, चलने में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब अभी आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपके लोअर चक्रास में बर्निंग सेंसेशन टाइप का फील हो सकता है, और कहीं ना कहीं आपकी नींद टोटली डिस्टर्ब हो सकती है। खाने पीने में आप लोगों को बिल्कुल भी मन नहीं लग सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग खा सकते हो, लेकिन इस वक्त जितना हो सके पानी पियो आप, ठीक है। बार बार आप लोगों को यूरिन लग सकता है, ये सब आप लोग सिम्टम देख सकते हैं। और सीवियर पर्जिंग हो सकती है इस टाइम डीएफ को। ये जो टाइम होता है 3 to 7 का, इसमें बहुत सारी निगेटिविटी को रिलीज़ करने का होता है टाइम, और जो आपके शैडो साइड होते हैं उसको आप रिलीज़ करो। अगर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा है, पर्जिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात का साइन है कि अभी आपको बहुत काम करना है, क्योंकि जितना आपको पेन होगा, उतना ही आपके अंदर की चीज़ों को रिलीज़ करना या उसको साफ़ किया जा रहा है। इसलिए यूनिवर्स आपके ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं है। बहुत सारी डीएफ ये सोचती हैं कि कब तक हमें ये सब कुछ सहना पड़ेगा, कब तक हम इस पेन को बर्दाश्त कर सके। जो भी चीज़ें अभी आप लोगों के साथ हो रही हैं, वो अभी जो 88 के पोर्टल में आप रिसीव करोगे, कि कितनी आपकी लाइफ चेंज हुई है। जो साइरस पोर्टल होता है, ये डेथ का और रीबर्थ का पोर्टल होता है। मीन्स आपको पहले इस तरीके से पेन होगा, जो डेथ के एनर्जीज को बताता है, और ना उसके बाद एक रीबर्थ का प्रोसेस होता है, जहाँ पे आपका एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो आप उस चीज़ को खुद ही फील कर सकते हैं, उस एनर्जीज को खुद ही फील कर सकते हैं। बट उसके पहले जो आप पे काम किया जा रहा है इस पोर्टल के थ्रू, तो उस पे आप लोगों को साथ देना है यूनिवर्स का, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ को रिलीज़ करोगे, उतना ही आप अपने 88 पोर्टल को, उस एनर्जीज को रिसीव कर पाओगे। इसीलिए हर साल जो ये टाइम होता है 77 का पोर्टल के पहले, जो साइरस पोर्टल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पेन आपको फील होगा। ये पूरा मंथ भी काफ़ी डीएफ को फील हो सकता है, जिन्होंने अभी अपने ऊपर काम नहीं किया है, या अवेकनिंग उनकी बहुत स्लो चल रही है, वो चीज़ों को नहीं समझ पा रही हैं, तो इस वक्त बहुत पेन में होंगी डीएफ। सारी चीज़ें सामने आएंगी, पास्ट लाइफ की हो गई, या फिर पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनके साथ,
जाते हैं वो सब कुछ अभी सामने आने वाला है, तो उसको बस आप रिलीज़ करते जाओ कि आपने इस चीज़ से क्या लर्न किया है। वो सब कुछ आप सीखते जाओगे तो वो अपने आप ही रिलीज़ होते जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को सोचते हुए स्टक हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, मीन्स अभी तक आप उसको रिलीज़ नहीं किए और ना ही उसको रिलीज़ कर पा रहे हो। इसलिए कोई भी सिचुएशन हो रही है आपके सामने, आपको बॉडी में पेन हो रहा है, आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आपको कफ कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है इस वक्त आपके बॉडी में, उसको फील करो कि वहाँ से उस निगेटिविटी को रिलीज़ कराया जा रहा है। तो आपको उसमें साथ देना है यूनिवर्स का, ना कि कोई भी निगेटिव थॉट्स क्रिएट करना है कि पता नहीं कब तक ये सब कुछ चलते रहेगा, मैं इस जर्नी पे कहाँ आके फंस गई हूँ। ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं बोलनी है, क्योंकि जो चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है, आप लोगों को प्योरीफाई किया जा रहा है, वो किसी और के साथ नहीं होता है। ये चीज़ आप अपने आसपास लोगों को भी देख सकते हैं कि वो कितना इंजॉय करते हैं 3D लैब में, यहाँ गॉसिप करते हैं सब कुछ, लेकिन आप लोगों को मौका मिला है इन सारी चीज़ों को जो आपके अंदर गंदगी है, निगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कराने का। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो हर मंथ जो भी पोर्टल आता है उसमें हमारे ही अंदर की चीज़ों को रिलीज़ कराने के लिए वो सब कुछ होता है। तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है। बहुत सारे DF का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है, उनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग हो सकती है, साइकिक पावर स्ट्रांग होगी और उनको अलग प्लैनेट से कोई ना कोई चीज़ें रिसीव हो सकती है और उनकी लाइट लैंग्वेज भी एक्टिवेट हो सकती है, कुछ ना कुछ उनको साइकिक गिफ्ट मिल सकते हैं इस वक्त। तो जो भी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, रिसीव हो रही है, उसको लीजिए, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का भी एक पोर्टल है जो आपको एक रीबर्थ की प्रोसेस होगी उसमें आपको रिसीव होगी। तो जितना आप इस टाइम इसका यूज़ कर सकते हो करो। और ड्रीम में भी आप डेथ का और रीबर्थ का साइन देख सकते हैं कि किसी की डेथ हो गई है, कोई भी एनिमल हो गया या फिर कोई आपके अपने हैं जिनकी डेथ हो सकती है, आप कोई छोटा जो बच्चा होता है उसको आप ड्रीम में देख सकते हैं। तो ये डेथ और रीबर्थ का साइन होता है। आपको 111 नंबर हो गया, 2222, ये सारे नंबर, 777 नंबर, ये सब कुछ नंबर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जीज के साथ अलाइन हैं। इस पे आप लोगों को काम करना है। इस वक्त आप लोग वायलेट फ्लेम मेडिटेशन करो, क्योंकि जो वायलेट फ्लेम की एनर्जीज होती है आप उससे कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने अंदर की निगेटिविटी को या फिर ऑरा क्लियरिंग को, किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इस पे आपको क्या करना है, डेली अभी जो 7/7 का पोर्टल आने वाला है उस दिन तक तो आपको करना ही चाहिए ये मेडिटेशन। आप लोग शांत एक जगह पे बैठिए और सामने विजुलाइज करिए कि एक वायलेट फ्लेम जल रहा है और सामने ही अपने एक गिलास पानी रखिए, आप स्टील कांच कोई भी गिलास यूज़ कर सकते हैं, उस पानी को पीजिए। और फिर आपको ये विजुलाइज करना है कि उस पानी को पीने के बाद आप पूरे तरीके से वायलेट फ्लेम में कन्वर्ट हो गए हो, ठीक है। उसके बाद आपको बोलना है आई एम द वायलेट फ्लेम, आई एम द वायलेट फ्लेम, ऐसा आपको कंटिन्यू बोलते रहना है, विजुलाइज करना है कि जो भी पानी रखा था वो पूरा वायलेट फ्लेम था और उसको पीने के बाद आप खुद ही वायलेट फ्लेम बन चुके हो, आपके अंदर वो सारी पावर आ चुकी है कि आप अपने हर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने अंदर की सारी निगेटिविटी को रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वायलेट फ्लेम का मेडिटेशन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेडिटेशन। आप 7 तारीख के बाद भी कर सकते हैं, अगर बहुत सारे DF को ये फील हो रहा है कि अभी भी उनके अंदर से सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं, क्योंकि इस मंथ बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। मैं अभी से आप लोगों को वॉर्न कर रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या मतलब हम लोग को फील हो रही है, अचानक से इतना बर्जिंग क्यों हो रही है, आप लोगों को रात में बिल्कुल भी नींद नहीं आने वाली है। कई DF को ये भी फील हो सकता है कि वो लेटते ही रात में जैसे लेटेंगी तो उनको एकदम घबराहट सी फील होंगी, सफोकेशन फील होगा, तो वो उठ के बैठ जाएंगी, मतलब उनकी पूरी नींद डिस्टर्ब होने वाली है इस वक्त। तो जितना हो सके उतनी ही चीज़ों को रिलीज़ करिए, पानी पीजिए, ग्राउंडिंग करिए, और जो भी चीज़ें आप लोगों को ड्रीम में या फिर मेडिटेशन में रिसीव हो रही है तो उसको रिसीव करिए। और किसी से भी उस चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चीज़ आप लोग डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो जो भी आप लोगों के मेंटोर है उससे आप पूछ सकते हो। और जो भी एनर्जीज आप फील करेंगे, ऐसा नहीं कि आप अकेले फील कर रहे हैं, ये चीज़ आपके DM भी साथ में फील करेंगे। इस टाइम जो भी एनर्जी है सब कुछ इक्वल होगा DM के साथ और DF के साथ, उनके भी कार्मिक रिलीज
रिलीज़ हो रहे हैं उनके अंदर की निगेटिविटी हो गई या फिर उनके जो सैडो साइड हो गए, जो भी उनके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, सब कुछ अभी रिलीज़ होने वाला है। तो वो भी अभी कुछ टाइम के लिए आप लोगों से थोड़ा स्पेस ले सकते हैं, थोड़ा बात करना बंद कर सकते हैं, या उनको खुद ही चीज़ें समझ नहीं आएगी कि ये सब चीज़ें क्या हो रही है, पुरानी चीज़ें सामने आ रही हैं, कि हेल्थ डाउन भी हो सकती है, उन्हें भी कफ एंड कोल्ड की, फीवर की, बॉडी पेन, हेडेक, उल्टी जैसा लगना, ये सब कुछ फील हो सकता है। तो ये सब कुछ दोनों के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो ये बेस्ट टाइम है इसका यूज़ करने का, क्योंकि जो आने वाला पोर्टल है उसमें बहुत सारे आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट हो गया, आपका रीयूनियन होगा और बहुत सारा अबेंडेंस, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। बहुत सारे डीएफ का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कब तक हम सुने वीडियो में कि एक न्यू बिगनिंग होगा, रीयूनियन होगा, तो उन डीएफ को मैं बोलना चाहती हूँ, आप प्लीज़ डीमोटिवेट मत होइए और साथ में दूसरों को भी मत करो जो भी कमेंट्स करते हैं कि ये जर्नी ऐसी फालतू जर्नी होती है, कुछ हमें मिला नहीं है। उन डीएफ को मैं बोलना चाहती हूँ कि तुरंत अगर आप सोचोगे कि सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरा रीयूनियन भी हो जाए, जॉब भी लग जाए, है ना, जो कार्मिक है वो सबको सोलमेट भी बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि मैंने खुद अपनी जर्नी में फेस किया है कि चीज़ें कैसे चेंज होती है, बिल्कुल मैजिक की तरह आपके सामने सारी चीज़ें बदलती हैं। तो इस पर आप लोगों को बिल्कुल भी इम्पेशेंस नहीं होना है। इम्पेशेंस की एनर्जी में अगर आते हो तो उतना ही जो भी आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, रीयूनियन हो रहा है, वो आपसे उतना ही दूर भागेगा। तो सारी चीज़ों को देखो कि आपके अंदर कहाँ कोई चीज़ें हैं जो आपको इस जर्नी पे स्टक कर रही हैं या फिर यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में नहीं ला पा रही हैं, तो उसको ठीक करो। और कुछ भी डाउट होते हैं तो आप मुझे इंस्टा या मेल में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।